चित्रकूट जिले में 1150 से अधिक कोरोना संक्रमित के मामले आ चुके हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से चौकन्ना है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमित इलाकों पर लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना पीड़ितों और जो है आम जनमानस से मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। चित्रकूट जिले में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसके अलावा संडे को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा मास्क न पहनने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना किया जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर लगातार बिना मास्क के मिलने पर 10000 रुपये तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। अगर सख्ती से कदम उठाए गए तो निश्चित रूप से कोरोना महामारी में जंग जीतने में सरकार कामयाब होगी। टी न्यूज़ के लिए चित्रकूट से रतन पटेल। आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले जिला जांजगीर चांपा में, जहां छत्तीसगढ़ कोविड की वजह से भयावह स्थिति में है, वहीं जांजगीर चांपा जिला भी इससे अछूता नहीं है। अगर जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो 4883 केस एक्टिव हैं, और वहीं सिर्फ कल के डेट में 612 केसेस एक्टिव हुई हैं, और वहीं डिस्चार्ज की बात करें तो 228 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, और सिर्फ एक दिन में मौत की बात करें तो 12 लोगों की मौत हो चुकी है, और जहाँ तक के कोविड से मरने वाले की संख्या पूरे साल भर में 424 लोगों को हो गई है। और हम आपसे निवेदन करते हैं, के न्यूज़ इंडिया आपसे निवेदन करता है कि कोविड के सभी नियमों का पालन करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। संजय सोनी।